दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल के आ रही हैं तो इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमपी वर्ग एक में विषयवार एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और इसकी 1 मार्च से परीक्षाएँ होने, तो पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HSTT 2023 का एग्जाम शेड्यूल है। 1 मार्च से 11 मार्च तक ये परीक्षाएं आपकी चलेंगी। 1 मार्च को हिंदी भाषा का मॉर्निंग में एग्जाम है और हिंदी भाषा का इवनिंग में भी एग्जाम है। 2 मार्च को अंग्रेजी भाषा के एग्जाम दोनों शिफ्ट में है। 3 मार्च को भी गणित के एग्जाम हैं अलग अलग शिफ्ट में। 4 मार्च को जीव विज्ञान के एग्जाम है। 5 मार्च को वाणिज्य मॉर्निंग में है, इवनिंग में इतिहास है। 6 मार्च को संस्कृत भाषा मॉर्निंग में है और इवनिंग में उर्दू प्लस भौतिक विज्ञान है। 7 मार्च को यहाँ पर है भूगोल मॉर्निंग में और इवनिंग में कुछ नहीं है। इसके अलावा 10 मार्च को है गृह विज्ञान प्लस अर्थशास्त्र का एग्जाम और इवनिंग में है आपका कृषि प्लस समाजशास्त्र का एग्जाम। और 11 मार्च को है राजनीति शास्त्र का एग्जाम मॉर्निंग में और इवनिंग में है रसायन विज्ञान का एग्जाम। तो ये आपका एग्जाम शेड्यूल है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाएंगे, एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो एग्जाम प्रिपरेशन बाय EBTech ऐप, जिसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से इसकी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर अपना प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के, उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियाँ हुई हैं इसका खाका और इसका जो ऑफिशियल जानकारी है वो आज देखिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। ये ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 5.5 सालों में 164,000 शिक्षकों की भर्ती की है। इन शिक्षकों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रणाली के जरिए शिक्षक विद्यालयों में तैनात किया गया है। तो ये यहाँ पर पूरा अपडेट है, देख सकते हैं आप लोग 23 फरवरी शाम 8:04 का ही अपडेट है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में 164,000 शिक्षकों की भर्तियाँ की है। अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने करी हैं बेसिक में, तो आने वाले टाइम पर क्या कोई शिक्षकों की वैकेंसी खाली रह गई है। कहने का मतलब यही है कि अब कोई वैकेंसी फ़िलहाल जल्दी आने वाली नहीं है, सरकार इस ट्वीट के माध्यम से यही आपको बताना चाहती है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई है अब तक, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के जो पद थे उन्हीं को भरा गया, वो भी पूरी प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है, ना ही 68,000 और ना ही 69,000 है ना। बाकी आप लोग सब कुछ समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। हम लोग बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से देखो अपडेट किया गया, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भर्तियाँ आई हुई हैं। CBSE बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है ये, ठीक है। और ये जो भर्तियाँ हैं फिलहाल आजमगढ़ के लिए हैं, एक तरीके से ये प्राइवेट वैकेंसी है। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सर प्राइवेट वैकेंसी बताइए जहाँ पर अच्छा खासा सैलरी मिले, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक ठाक आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बताएगा रिक्वायर्स फॉलोइंग स्टाफ फॉर दिस सेशन 23-24। तो यहाँ पर देखिए TGT टीचर की वैकेंसी है, TGT PGT दोनों की वैकेंसी है। इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकाउंटेंसी फिजिकल एजुकेशन बिजनेस स्टडीज सोशल साइंस कंप्यूटर हिंदी ज्योग्राफी, ठीक है, ये वैकेंसी यहाँ पर है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो PGT के लिए MA या MSc या MCOM कोई भी हो आपने, और BEd आपने किया हुआ हो, ठीक है। बाकी TGT के लिए यहाँ पर देखिए BA BSc कुछ भी किया और साथ में BEd आपका होना चाहिए। किसी भी तरीके से TET CTET की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है TET या CTET तो इसमें आप लगा सकते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर देखिए BSc IT या MSc IT या MSc कम्युनिकेशन या MCA या BEd आपका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वैकेंसी और जिनके लिए BEd की रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर प्राइमरी टीचर नर्सरी टीचर की वैकेंसी है, जैसे कि इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर, ये प्राइमरी और नर्सरी टीचर के लिए हैं। और इसके लिए मांगा गया है कि BSc या BCOM BA किया और साथ में BEd या DLED कुछ भी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्री प्राइमरी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या NTT के लिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, और डिप्लोमा अगर आप मॉन्टेसरी किंडरगार्टन में तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए।
बाकी म्यूजिक टीचर की वैकेंसी यहाँ पर हैं, डांस टीचर की हैं, लाइब्रेरियन की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है, बीपीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, काउंसलर की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर हेल्पर्स फॉर प्री प्राइमरी के लिए है। तो कुल मिलाकर के बहुत सी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर क्या है कि बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप नॉन बीएड हैं और इसमें इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट भी अच्छी खासी मिलेगी आपको, मिनिमम 15,000 यहाँ पर मिलेगी और अधिकतम 50,000 रुपये तक यहाँ पर मिलेगा कंसोलिडेटेड रूप से, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो अपना फुल बायोडाटा स्कूल के ऑफिस में भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। और आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी आपका रिज्यूम वगैरह बायोडाटा इस ईमेल आईडी पर रिज्यूम अपना भेज सकते हैं और वहाँ से आपको कॉल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आउट स्टेशन होंगे या एक्सपीरियंस होंगे या इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट होंगे। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम आपको आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आता तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रहना खाना वगैरह आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए गए, चाहें तो आप इनको कॉल वगैरह से डिटेल्स ले सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं जिनको जॉब चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।